वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है। और ऑलवेज मैं हमेशा उन खवातीन को, उन बच्चियों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जो आगे बढ़ के काम दिखाती हैं, काम करती हैं, और इसका बैक एंड उनकी प्यारी प्यारी मदर्स, उनके फादर, उनकी फैमिली, उनकी सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ जो चाहती हैं कि उनकी बच्चियाँ जो है वो कभी किसी के जो है मोहताज ना हो, कभी मजबूर ना हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ वो अपने बच्चों को हुनरमंद भी करते हैं। और हुनरमंद बच्चियाँ होंगी, हुनरमंद यूथ होगी, हुनरमंद पाकिस्तान होगा, वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। दिस इज़ अ गुड एफर्ट। और ये सिर्फ एक सोच नहीं, इसे मैं ये कहूँगी अभी भी 40% जो है इसके ऊपर एम्प्लीमेंट्स हो रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन 60% अभी भी एवरीबडी से क्या करना है, हांडी रोटी करनी है, क्या मैं खिलाता नहीं हूँ बेटा, मैं क्या कमाता नहीं हूँ, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, इज अ क्वेश्चन मार्क। ये सारे सवाल आते हैं, शादी के बाद भी यही सिस्टम है। लेकिन ज़िंदगी में आपको नहीं मालूम, हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान में डिज़ास्टर आएगा, हमें पता होता है कि पाकिस्तान में सैलाब आ सकता है, तूफानी बारिश है, क्योंकि अल्लाह की है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी बच्ची के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऊपर कभी भी बर्डन पड़ सकता है, उसके हस्बैंड उसके साथ छोड़ सकते हैं, उसकी फैमिली पर डिजास्टर, तो वो कभी किसी की मोहताज ना हो। तो इंसान जो है वो दूसरों पर डिपेंडेड ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखे और अपने हाथ पैर चलाता रहे। और बात करूंगी स्किल्स वुमेंस की, तो आज भी हमारे दरमियान ऑफकोर्स उन्होंने कुकिंग भी की, अच्छा लगा, तो मैंने कहा थोड़ी सी गपशप भी हो जाए, ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा उनके साथ थोड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया यहाँ तक आने में, जो उनकी स्ट्रगल रही वो क्या थी। तो अगेन मैं वेलकम करती हूँ शेफ सदफ गुलसे जी। थैंक यू, मेरी बात सुन ली आपने? हाँ, क्या सही दिया था मोटिवेशन? बिल्कुल सही थी। क्या आपको इंस्पायर किया आपको कि मैं इस फील्ड में आऊँ, और किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मेरी मदर ने, मेरे हस्बैंड ने, एक्चुअली मेरे भाई, फादर, फैमिली सपोर्ट करती है तो आप आगे जाते हैं, और कुछ आपका शौक होता है जो आपको आगे लेके जाता है, और जब आपका शौक, आपका जुनून बन जाए ना, तो वो बहुत आगे तक लेके जाता है, आपको कहीं रुकने नहीं देता, और सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सीखना जो है वो हर वक्त है, लाइफ जहाँ तक है वहाँ तक सीखना तो ज़रूर है। गुड, सीखने, मैं अभी तक नहीं समझती कि मैं सीखने के मरहले से निकली हूँ, मुझे लगता है मैं सीख ही रही हूँ, और ये जो पोटेंशियल है ना, वो मेरी मदर से है, और वो ऑब्वियसली उन्होंने भी इस तरह का बहुत काम किया, इस तरह की बहुत चीज़ें की। तो जब आप अपनी माँ को देखते हैं ना, एक्चुअली जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहले बोर्ड यही था कि आप अपनी माँ की गोद से सीख के आते हैं, तो वही इंस्पिरेशन थी। और फिर जब आपका टेस्ट बट आपका अच्छा हो, आपके खाने का इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपके घर में लोग अच्छा खाते हों, उसको टेस्ट को पहचानते हों, तो आप उसमें नीड होते जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि अभी पकाया तो आज ही अच्छा आ गया, बहुत फ्लॉस किए, बहुत दफ़ा ऐसे फ्लॉस किए कि अम्मा से छुपा कर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की, बेकिंग में बहुत सारे ऐसे फ्लॉस किए जिसमें मैंने बहुत सारे केक उल्टे पुल्टे बनाए। घबराए नहीं, कोई भी नया आने वाला या सीखने वाला घबराए कभी भी नहीं, आज गलत करोगे कल सही करोगे, और सही करने के लिए हर सीढ़ी को चढ़ना, और उसको काबिलियत के साथ चढ़ना और एतमाद के साथ चढ़ना कि अल्लाह पाक मैंने करना है, तो ये तो आपकी अपने ऊपर है, आपकी पोटेंशियल है तो आप चला सकते हैं। अगर आप एक ही सीढ़ी पर हार जाएंगे कि नहीं जी मेरा आज ही केक ख़राब हो गया तो आप चर्च के बाद नहीं बनाऊंगी, आज ये खाना ख़राब हो गया तो नहीं बनाऊंगी, घर वाले भी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है कि घर वाले सपोर्ट ना करें, तो ये घर वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के दरमियान में बैठी, जिनसे बात हुई, सब इसी तरह के लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अकेला इंसान मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन उसको आगे ले जाने में बहुत सारे पीछे बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये सब चीज़ें मिल जुल कर होती हैं। क्या बात है, आपने बार बार मामा का नाम लिया, तो मैं जाहिर सी बात है एक फील होता है कि अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, और बेसिकली उनकी ज़्यादा सपोर्ट से लोग आगे जाते हैं। मैंने बच्चियों को ख़ास तौर पे एक दोस्त की तरह उनको प्रेजेंट करते हैं, और वो चाहती हैं कि मेरी बेटियां कभी किसी को मोहताज ना, वो आगे बढ़ें, प्रेजेंट करें, और वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश वही होती हैं दिल से, चाहे आप शादी के बाद भी ना। हाँ। वो एक हमारा डाटा होता है जो ट्रांसफ़र होता है, मम्मा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अम्मा का घर जो होता है ना, वो एक मोरल सपोर्ट होता है, ऐसा होता है जो भी काम है अम्मा के घर से हो जाएगा, दे कहीं भी अटक गए अम्मा के घर, हस्बैंड से नाराज हो के अम्मा के घर, वो एक धमकी भी दी जाती है मैं अब मैं पाई के जा रही हूं, अब मैं नहीं दे पाती हूं
पर एक वक्त होता था कि मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, बस ऐसे क्या कभी अब्बा का मुंह ही नहीं निकला था, पता नहीं क्या अम्मी के घर जा रही हूँ यार, अम्मी का क्या बोले, और माँ का हमेशा कुछ फेसबुक पे देखते हैं कि माँ का कभी घर नहीं होता ना, हम बाप का होता है शादी होकर चली जाती है, फिर वो हस्बैंड के पास जाती है, तो बाद में शादी बेटे की होती है तो वो उसका घर नहीं होता, तो चले अल्लाह पाक जो है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने सारी दुनिया की कायनात माँ के कदमों में डाल दी। पता क्या होता है, माँ भी तो पहले लड़की थी, बेटी थी, फिर माँ बनी ना, तो आप भी जब 20 years के बाद आफ्टर आप जब अपने बच्चों को देखते हैं तो आप भी माँ होते हैं, तो वहाँ पर आप फिर याद आता होगा कब कब मम्मी को तंग किया था, कहाँ माँ को सताया था या क्या खराब किया था, अब याद अम्मा को तो समझ ही नहीं है, अब अपने बच्चे जब कहते हैं ना अम्मा को समझ नहीं है तो याद आता है, याद आता है, यहाँ दचका लगता होगा यार हम लोगों ने क्या क्या, और वो उतने सबर से सह लेती है रियली really? हाँ वो शिकवा भी नहीं करती कि अच्छा मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाँ पता है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, दैट्स वेरी गुड। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आने वाली जो स्किल्स में आना चाहती है? पहले घबराना नहीं है किसी भी चीज से, हाय अल्लाह जुमला घबराना नहीं है हर चीज हो जाएगी, हर चीज अपने तरीके से हो जाएगी, बन जाएगी, इसको आगे रखें, जो भी इस फील्ड में है, जिस भी फील्ड में, चाहे बेकिंग की स्पेशली फील्ड में, तो प्लीज आप उसको चलता रखें, बनाता रखें, आप गलत करेंगे आज करेंगे कल सही करेंगे, तो प्लीज आप पीछे मत हटें अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं आगे जाना चाहते हैं, बस ये है इनका खूबसूरत सा। थैंक यू सो मच आप हमारे से ज्वाइन किया, आई होप कि हम नेक्स्ट कुछ अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, जैसे आज बनाए आपने मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको मौका ही मौका है। अच्छा जी नाजिन हम लोग चाहेंगे इजाजत और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, लेकिन जाते जाते स्पेशली थैंक्स फॉर खूबसूरत डिश, थैंक्स फॉर सेटअप एंड सपोर्ट बाय ग्लैम गैस। रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह।